Subscribe to this channel, it's totally free of cost, and hit the bell icon so that you will be notified when the new video. Road engine. नाम सुनकर हैरानी हुई ना कि भाई ट्रेन इंजन सुना है, ये रोड इंजन क्या है? ये कौन सी नई चीज़ है और ये कब आई? न जाने ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में चल रहे होंगे। तो जनाब घबराइए मत, हम हैं ना आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। आज हम आपको बताते हैं कि ये रोड इंजन नाम की बला क्या है। न्यूयॉर्क में कमर्शियल व्हीकल मेकर डैमलर ने एक इलेक्ट्रिक ट्रक लॉन्च किया है जिसे अब वो इंडिया लाना चाहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी थोड़े टाइम पहले दिल्ली में कितना पोल्यूशन हो गया था, बिल्कुल फॉग जैसी हालत थी, कुछ नहीं दिख रहा था आसपास का, ज़ीरो इनविजिबिलिटी थी। इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने हाइड्रोलिक मशीन भी यूज़ की थी, पर वो भी कुछ खास काम नहीं कर पाई। काफ़ी सारी लाइफ अफेक्ट हुई, एक्सीडेंट्स भी हुए। इन सबको देख कर इस रोड इंजन का आइडिया आया। जैसे हमने देखा था कॉमनवेल्थ के टाइम पे ब्लू लेन तैयार की गई थी, वैसा ही कुछ हम अब कर सकते हैं। हम इन रोड इंजन के लिए एक लेन तैयार कर सकते हैं जिन पे सिर्फ यही चलेंगे। ये चीज़ कैलिफोर्निया में प्रैक्टिस भी की जा रही है। कुछ ट्रक हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स यूज़ करते हैं तो कुछ के लिए केबल्स लगाई जाती हैं जिससे टच होकर इनमें करंट प्रोड्यूस होता है और ये ट्रक चलते हैं। इससे फ्यूल कंजप्शन भी लेस होता है और एयर पोल्यूशन नहीं होता। एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की, क्योंकि इसने हज़ारों लोगों की लाइफ को अफेक्ट कर रखा है, और ये एयर पोल्यूशन होता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से। वैसे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिसाइडेड रूट पे ही चलते हैं, जैसे कि मार्को पोलो। हम इन रोड इंजन के लिए भी एक लेन बना सकते हैं जिस पे ये चलेंगे। लोगों का काम भी होगा और पोल्यूशन भी नहीं होगा। इससे फ्यूल कंजप्शन बहुत कम होगा, जिसकी रेट दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। ओवरऑल इस रोड इंजन के सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान नहीं। काफ़ी मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी आ गए हैं आजकल। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रिक एनर्जी सबसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिनका यूज़ करके हम इधर लगा सकते हैं। शायद आपको मालूम ना हो, पर अब तो गार्बेज जलाकर भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगी है। जी हाँ, नॉर्वे में गार्बेज इंपोर्ट किया जाता है क्योंकि वहाँ इतनी सर्दी होती है कि रोड्स पे हीटर लगाने पड़ते हैं। वो लोग गार्बेज जलाकर उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उससे हीटर चार्ज करते हैं। इंडिया का गार्बेज नॉर्वे जा रहा है, जिसका वो इतना अच्छा यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी इस गार्बेज का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। इससे ना सिर्फ हमारे पैसे बचेंगे, बल्कि हमारा एटमॉस्फेयर भी सुधरेगा। वो कहते हैं ना, गो ग्रीन टू कीप एयर क्लीन। अगर टेस्ला ये इलेक्ट्रिक ट्रक का कॉन्सेप्ट ला सकता है, तो टाटा, जो ट्रक्स के लिए जानी जाती है, वो क्यों हाइब्रिड ट्रक्स लाने पे फोकस नहीं करती? हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस फील्ड में प्रोसीड करें और इसके बारे में सोचें, इस पर काम शुरू करें और दूसरी कंट्रीज़ के लिए एक एग्जाम्पल सेट करें कि कंट्री अगर हमारी है तो उसे बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। अगर आप भी अपनी कंट्री को बचाना चाहते हैं, इसमें से पोल्यूशन को ख़त्म करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये रोड इंजन स्टार्ट हो हमारे देश में, तो कमेंट कीजिए यस, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो गवर्नमेंट तक पहुंच जाए, ताकि वो इसके लिए जल्द से जल्द एक्शन ले सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।